अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया। मिर्जागंज में जिला तैलिक कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। समाज हित में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। शुक्रवार को तय समय से गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा कार्यकारिणी की एक बैठक मिर्जागंज में संपन्न हुई। साहू धर्मशाला मिर्जागंज में हुई बैठक में सर्वप्रथम लोगों द्वारा दानवीर भामा शाह की तस्वीर पर पुष्पार्पण की गई। बैठक में जिले के सभी प्रखंडों और नगर कमेटियों से 5-5 तथा जिला से 15 डेलीगेट शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा का सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन, गिरिडीह में छात्रावास का निर्माण, संगठन की मजबूती और विस्तार पर वक्ताओं द्वारा चर्चा किया गया। वक्ताओं में से संगठन सचिव देवेंद्र कुमार ने समाज के गरीब मेघावी छात्र छात्राओं को समाज की ओर से छात्रवृत्ति देने की बात रखी गई। कार्यकारिणी के द्वारा गिरिडीह जिला साहू समाज का सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन, जिला में समाज का एक छात्रावास निर्माण, पंचायत चुनाव में समाज के लोगों का पार्टिसिपेट इत्यादि बिंदुओं पर ठोस निर्णय लिया गया। कार्यकारिणी की बैठक के पश्चात आसपास के असहाय लोगों के बीच समाज के द्वारा तकरीबन 150 कंबलों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के जिला अध्यक्ष बालगोविंद साव व संचालन समाज के महामंत्री धर्म प्रकाश साव के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जमुआ बीडीओ अशोक कुमार, जमुआ बीपीओ छोटूलाल साव भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम को मुख्य रूप से संरक्षक नारायण साहू, ब्रजनंदन प्रसाद, संगठन सचिव देवेंद्र कुमार, हरगौरी साव, शिवनाथ साव, जयप्रकाश साहा, रामदास साव, ललन साव, राजा सतप्रकाश, दीपक, प्रवीण साहू, बुधन साव, राजकुमार साव, मिर्जागंज अध्यक्ष रंजीत साव, संतोष साव, पंकज साव, रामचंद्र साव, श्याम सुंदर साव, पप्पू साव, अशोक साव, रेखा देवी, मंजू देवी, राजेश साव, सुचित कुमार गुप्ता, जीतू साव, ब्रजकिशोर साव, सदानंद साव, वीरेंद्र साव, सीताराम साव इत्यादि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में तकरीबन 300 साहू समाज के लोग उपस्थित रहे। साहू समाज के एजेंडे पर गहन रूप से विचार विमर्श किया गया और एक सूत्र में बनकर समाज को निरंतर आगे ले जाने के लिए सब हम लोग प्रतिबद्ध हुए और विशेष रूप से इस कोरोना काल में हमारे साहू समाज के तरफ से पूरे गिरिडीह जिला में अनेक प्रकार की सामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिया गया, जिसके संदर्भ में हमारे बालगोविंद बाबू को और हमारे जिला साहू महासभा को आदरणीय DC साहब के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। इस बात का हम लोगों को बेहद ही गर्व है और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि साहू समाज को कैसे हम अन्य समाज को साथ लेकर करके चलने का हम लोग प्रयास करें। इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे हम लोग सबको साथ लेकर करके चल कर करके समाज को एक नई दिशा दें और देश के प्रगति में अपना योगदान हम लोग सिद्ध करें। तमाम प्रखंडों से लोग आए हुए हैं और 3 एजेंडा को लेकर हमारा ये बैठक था, जिसमें समाज का नियमावली की स्वीकृति लेना और जिला मुख्यालय में छात्रावास का निर्माण, तमाम लोगों ने इस पर सहमति जताया है कि हमारे जिला समिति का निबंधन हो सोसाइटी एक्ट में और गिरिडीह मुख्यालय में छात्रावास का निर्माण हो, ताकि समाज के लोगों का शैक्षणिक बढ़ सके। साथ ही साथ जो चर्चाएं हुई है उसमें राजनीतिक रूप से संगठन को और मजबूत करने की बात आई है। आगामी चुनावों में, चाहे पंचायत स्तर का चुनाव हो या राज्य स्तर का चुनाव हो, हमारा समाज उसमें अहम भूमिका निभाएगा। इसी संकल्प के साथ आज की बैठक रखी गई है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में हमारा समाज सामाजिक दायित्व निर्वहन कार्यक्रम के तहत पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग सामाजिक काम करेंगे। आज जैसे हमारा कंबल वितरण का कार्यक्रम था, आगे भी इस ठंड को देखते हुए विभिन्न प्रखंडों में जाके हम लोग कंबल का वितरण करेंगे और हेल्थ चेकअप कैंप लगाएंगे। अन्य सामाजिक काम में भी हम लोग आगे आएंगे और सारे समाज को, सिर्फ साहू समाज की बात नहीं है, पूरे समाज को एक मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि हम सामाजिक कामों में आगे आए, ताकि जरूरतमंद और असहाय लोगों को लाभ मिल सके। आगामी पंचायत चुनाव
में हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे समाज के जो भी उम्मीदवार हों, जो समाज सेवी हों, जो अर्हताधारी हों, उनको पंचायत चुनाव में सहभागी बना करके उन्हें विजयश्री दिलाने का काम करेंगे, ताकि हमारे समाज की अधिक से अधिक संख्या में पंचायत चुनाव में पदधारी बन सके। साथ ही साथ आज हम लोगों ने कार्य समिति बैठक के पश्चात गरीब असहाय लोगों के बीच जिला तैलिक साहू सभा की ओर से कम्बल वितरण करने का काम किया, ताकि इस कपकपाती ठंड में लोगों को निजात मिल सके ठंड से। और ये कार्यक्रम केवल आज नहीं, बल्कि हम लोग 2-3 साल से लगातार 1,500, 1,000 इस तरह का कम्बल का वितरण हम लोग सुदूर गांवों में असहायों के बीच करते आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जिला तेली साहू सभा अन्य जनहित योजनाओं का भी क्रियान्वयन कर रहा है, जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने अनाज वितरण का काम किया, वृद्धाश्रम में कई बार हम लोगों ने सामान और फल वितरण करने का कार्यक्रम किया, साथ ही साथ रक्तदान शिविर का भी हमने आयोजन किया और टीकाकरण कैंप भी लगाया, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से जिला तैलिक साहू सभा को सम्मान प्रशस्ति पत्र दिया गया है। और केवल इस कार्य के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में भी और प्रधानमंत्री राहत कोष में भी समाज की ओर से खासी रकम हम लोगों ने भेजी है, और उसके लिए भी जिला प्रशासन की ओर से हम लोगों को पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। मैं चाहता हूँ लोगों से, आज मैंने आह्वान किया कि आप लोग समाज को दशा और दिशा को आगे बढ़ाने में कार्य करें, ताकि हमारा समाज के लोगों का उत्थान हो सके और राजनीति में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, उस ओर भी जागरूक करने का हम लोगों ने आज प्रयास किया। धन्यवाद।